हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पैनिश ऑमलेट बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 100 ग्राम चीज, 2 प्याज, 1 टमाटर, धनिया, 2 आलू और 6 अंडे, मिर्ची, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी। आलू को छील कर दो हिस्सों में काट लेंगे, फिर इसके स्लाइसेस काट लेंगे, फिर छोटे क्यूब्स में काट लें। यहाँ मैंने 6 अंडों को फेंट कर रख लिया है। अब हम पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, फिर 2 कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से भून लेंगे और 1 कटी हुई टमाटर डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक डालेंगे। टमाटर अच्छे से नरम होने तक पकाएं। अब इसमें हम आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा धनिया डालेंगे। अब इसको ढककर आलू को पकने देंगे, धीमी आंच में पकाएंगे। बीच में हम इसको हिलाएंगे। आलू पक गए हैं तो इसे चेक कर लें। आलू पकने के बाद आंच को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इस मिक्सचर को अंडे में डाल देंगे। अब हमने आलू के मिक्सचर को अंडे में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर आंच को धीमी रखें और अब अंडे का आधा बैटर हम पैन में डालेंगे। अच्छे से इसको फैला देंगे। 100 ग्राम चीज डालेंगे अंडे के ऊपर। आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। अब बाकी का एक बैटर चीज़ के ऊपर डाल देंगे। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। ऑमलेट अच्छे से पक गया है। अब स्पैनिश ऑमलेट तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।